तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुबह, स्वागत है आपका सुबह ब्लॉग भुरमोरी में। और आज के मौसम की बात की जाए ना, तो खिली खिली धूप लगी हुई है और ऊपर बादल भी नहीं है आज कि ना। हम भी सुबह सुबह क्या है वो भरमोर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि डिलीवरी डेट क्या है, वो भी नज़दीक आती है मेरी। तो इसलिए क्या है, मम्मी वगैरह भी आ चुके हैं, मतलब कांगड़ा से। तो मम्मी ने बोला कि आप आ जाओ यहाँ। तो अभी मैं और मम्मी और देवर जी जा रहे हैं। देवर जी क्या है वो हमें छोड़ने जा रहे हैं, और पति जी क्या है वो घर में ही है। तो चलते हैं ना, बस सामान वगैरह क्या है वो पति जी लेके चले गए हैं आगे, और मैंने भी थोड़ा बहुत क्या है वो लिया है। तो पति जी ना हमारा बैग रख के ना अपने काम के लिए भी जा रहे हैं। तो लो जी, हम भी ना नीचे वाले रोड पहुंच चुके हैं, और अब क्या है ना थोड़ी बहुत नर्वस फील भी हो रही है, क्योंकि अब मैं ना तभी आऊंगी बेबी के साथ, और तो डर भी लग रहा है कि कैसा कैसा होगा। तो आप भी प्रे करना और मैं भी प्रे करूंगी। देवर जी क्या है ना वो ऊपर वाले सड़क में गए हैं गाड़ी लेने, और मम्मी क्या है ना अभी पीछे से ही आ रहे हैं। तो आजकल ना पानी का जल स्तर क्या है वो भी थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है, क्योंकि आज इस साल क्या है ना ज़्यादा पानी वगैरह नहीं आया, नहीं तो ये पूरी नाली क्या है ना वो पानी से भरी हुई होती थी, और खूब अच्छे से ना पानी झरझर करते हुए नीचे जाता था। तो बाकी ना देवर जी भी आ चुके हैं, अब क्या है ना थोड़ा बहुत सामान क्या है वो भी चढ़ाना है। तो हम भी ऊपर वाले रोड से आ रहे थे, और नीचे क्या है ना हमारा घर भी दिख रहा था। ये वाला रोड क्या है, ये दूसरा वाला रोड है, हम क्या है खड़ाम साइड से नहीं आए थे। हम भी ना भरमौर पहुंच चुके थे, और यहाँ से ना भरमौर का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो खूब अच्छे से धूप लगी हुई थी भरमौर में भी। तो यहाँ ना हम भी भरमौर मार्केट में पहुंच चुके थे। तो हम भी ना मायके पहुंच चुके हैं, और अब क्या है ना थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलाते हैं आपको सबसे। तो यहाँ ना भाभी क्या है वो मम्मी वगैरह को लेने गई थी, क्योंकि मम्मी वगैरह भरमौर गए थे इसलिए। मम्मी वगैरह भी आ चुके हैं ना, अब क्या लंच वगैरह कर लेते हैं। तो लो जी, मम्मी वगैरह भी जा चुके हैं ना, मम्मी क्या है वो घर चले गए, क्योंकि वहाँ लाडो वगैरह क्या है ना उसका दूध वगैरह निकालना होता है। और पीछे ना भाभी तेल लगा रही है, और तेल लगा रही है दीदी, और अब क्या है ना मेरी बारी भी है, मैं भी तेल लगाऊंगी। तो रीबू क्या है ना वो बिस्किट खा रही थी उठ के, और यहाँ क्या है ना दादू जी आए थे, तो उनको भी देख रही थी साथ में। फाइनली यहाँ क्या है ना वो धूप जा चुकी है, और उस साइड क्या है ना अभी भी धूप है। अब की ठंड के टाइम ऐसा ही होता है ना, इस साइड क्या है जल्दी से धूप आती भी नहीं है, और जाती मतलब चली भी जल्दी जाती है, और उस साइड क्या है ना धूप अच्छे तरीके से सुबह शाम क्या है लगी हुई होती है। पीना यहाँ क्या है दीदी और मम्मी और रीबू क्या है वो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ ना रीबू क्या है अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। तो यहाँ ना भाभी भी ना बर्तन वगैरह मांज रहे हैं जो दिन में खाना वगैरह खाए थे। तो भाभी तो ऐसे बोल रही होगी कि नंदे आ जाती है बर्तन मांजती है ऐसे ना। नहीं नहीं, हम खाने में आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। क्या मनाओगे आज, आज की खाने की बारी, मतलब मैं मनाऊंगी। अच्छा क्या यहाँ बोल रही, मैं बनाऊंगी था ये खाने की तैयारी करेगी, बर्तन में मांग लूंगी। दाल चावल बनाए जी ने, आप बांधे बांधे दिल ठीक है, चावल भाभी ने बनाने। अरे वो ना मम्मी क्या है वो बातें कर रहे हैं, और देखो रिबू की रिबू हेलो करो।
मम्मी ना घर में आके ना बड़े खुश हो रहे हैं। कैसा फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी। भाभी कहते हैं मजाक उड़ाया जा रहा है, कौन सी फीलिंग आ रही है? मतलब मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो भाभी को चाय वगैरह बनाने बनाने में ना दिक्कत नहीं आ रही है? अभी ना हम जा रहे हैं घूमने सर्कल में, क्योंकि क्या है इवनिंग वॉक करने जाते हैं, और अभी ना पीछे से दीदी वगैरह भी आएंगे तो चलो। और यहाँ ना फुल मस्ती हो रही है आज, सब क्या है वो इकट्ठे हुए हैं ना, तो भाई क्या है ना वो कल आएगा हमारे साथ ना, दीदी और रिबू क्या है वो भी जा रहे हैं, और रिबू ना बहुत ही खुश है सड़क में जाने के लिए, और भाभी और मम्मी क्या है ना वो घर में ही रहेंगे। बाकी ना यहाँ कांटे में क्या है ना गुंडोलू टाइप के लगते थे, मतलब वो वाला फल क्या है वो खाया जाता है हमारे, हम तो गुंडोलू ही बोलते थे। जिसको ना बकरियां खाती लेकिन इसे हम लोग भी खाते। और दीदी क्या है ना ये चीज ज्यादा खाती थी, और एक और होता है मतलब आंखे, आंखे ना, हाँ आंखे बोला जाता है। बाय दीपू, कहाँ जा रहे हो आप? घूमी करने, इवनिंग वॉक हो रही है। और दीदी क्या है ना वो भी कांगड़ा से आई है मम्मी के साथ, और जीजू क्या है ना वो शादी शादी में आएंगे, यहाँ क्या है मेरी कजन की शादी है और मेरी मासी की लड़की की भी शादी है, तो वो उस शादी में आएंगे। और दीदी क्या है ना मम्मी के साथ ही आ गए थे, तो यहाँ ना रिबू क्या है वो गाड़ी को देख के ना बहुत खुश हो रही है। हम क्या ना छोटे हुए करते थे तो हमें बोला जाता था कि ये क्या है ढींगी है, और अभी 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 तो नहीं बोलते ना ढी, अब तो गाड़ी बोलते हैं। हमारे टाइम में ढी बोला जाता था कि ढी गई हो। पहाड़ों के लोग ना ऐसी ऐसी जुगाड़ करते हैं, ये क्या है ना नीचे घर 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 का काम लगाया हुआ है ना, और इन्होंने ना पहाड़ी तरीके से लिफ्ट बनाई है, यहाँ से बजरा वगैरह ईंटें वगैरह क्या है वो भेजी जाती है नीचे। मैं और रिबू क्या है ना बिस्किट खा रहे हैं, अच्छा हो रहा है बिस्किट, टेस्टी हो रहा है। और अभी क्या ना रिबू के दांत भी नहीं आए हैं, तो रिबू क्या है ना थोड़ा थोड़ा ही खा रही है, अच्छा हो रहा है, उतना खाया नहीं जाता पर थोड़ा थोड़ा खा रही है देखो। तो यहाँ ना भाभी जी को आज अभी क्या है रेस्ट दिया है, दीदी क्या है वो दाल को तड़का वगैरह लगा रही है, और भाभी ना यहाँ चाय का आनंद ले रही है, और रिबू भी ना अपना मस्त तरीके से खेल रही है। हाँ तो यहाँ ना दीदी क्या है वो खाने के लिए बना रही है, और टमाटर वगैरह भी काट दिए है इसने। और आज ना तो यहाँ क्या है ना आम की जो सुपड़िया डाली थी वो है, क्योंकि खट्टी दाल में डाली जाएगी तो इससे मतलब इसी से ही खट्टा आएगा, तो यहाँ ना यह तड़का वगैरह लगा रही है। तो यही करते हैं अपनी वीडियो की एंडिंग, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।